वंदे मातरम मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका शुभचिंतक हरकेश चौहान। सिर का दर्द का अंत तुरंत इस श्रृंखला में, तो इसमें मैं कुछ आपको तेल के बारे में बताऊंगा। ये करीबन 5-6 प्रकार के तेल होंगे, जादुई रिजल्ट है। नंबर 1, नीलगिरी का तेल। नंबर 2, आपको हिमसागर तेल। नंबर 3, आपके पास हिमगंगा तेल, सौंफ का तेल, धनिये का तेल, नारियल का तेल, पुदीने का तेल। ये करीबन 7-8 प्रकार के तेल हैं। ये बड़े जादुई चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। अब मान के चलो इनके अंदर क्या करोगे, आपने मान के चलो हिमसागर का ले लिया या हिमगंगा का ले लिया या फिर आपने नीलगिरी का ले लिया, आपने इनमें से कोई भी तेल ले लिया, उसमें 2 चीज मिला लो तो सोने पे सुहागा। थोड़ा सा एलोवेरा जेल, धृत कुमारी का जेल और सरसों का तेल, ये मिला लो। तो इन दोनों को मिला के अगर आप रोजाना अपने सिर की मालिश करते हैं हल्के हल्के हाथ से, माथे की मालिश करते हो ललाट की यहाँ पे और कान के पीछे इधर और हल्का हल्का यहाँ पे रोजाना मसाज करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका सिर का दर्द धीरे धीरे करके बिल्कुल चमत्कारिक रूप से चला जाता है। साथ में कोशिश करो आप ठंडा, बिल्कुल चिल्ड नहीं लेना, ठंडा पानी जो बोल रहा हूँ, जो हम फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन कभी फ्रिज का पानी मत पीजिए। फ्रिज का पानी पीने से हमारे सिर दर्द की बीमारी का रोग लगता है, इसलिए कभी भी चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए। अब वो ठंडा पानी लीजिए, उसमें कुछ रुमाल या कॉटन भिगो के ये यहाँ पे बिल्कुल कान के सिधाई में यहाँ पे रोजाना कम से कम दिन में 3 दफे, चाहे लेडीज हो जेंट्स, सभी को यहाँ पे रखना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और जो खुश्की आ जाती है सिर के अंदर वात पित्त कफ की वजह से, वो सारी ड्राइनेस ठीक हो जाती है और आपका सिर का दर्द चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता है। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, निंद्रा की प्रॉब्लम भी शुरू जो सोल हो जाती है, तो कई चीज़ों में फायदेमंद है। तो कृपया करके ये आप जरूर कीजिए और यह वीडियो जनहित में आप इतना वायरल कर दो कि हर खाशवाम के पास पहुंच जाए और घर बैठे अपना चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकें। कुछ भी ना करें तो ठंडे पानी की यहाँ पे जरूर मसाज कीजिए, कम से कम रोजाना एक, जैसे माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं वैसे यहाँ पे जरूर रखिए, आप देखेंगे आपको 100% लाभ जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम।